रसोई देसी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बनाएंगे नाश्ते में झटपट मीठी साबूदाना खिचड़ी। इसके लिए लिया है हमने 250 ग्राम साबूदाना। ये साबूदाना हमने 1 घंटा पहले भिगो कर रखा था, वो भीग कर इस तरह से हो गया है अलग अलग। ये देख सकते हैं आप, ये ऐसा होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियां हमने पीस कर ली है, फली भून कर रखा है, हल्दी, जीरा, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक। अब हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। ये ऑयल लेंगे हम अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को थोड़ा सा तेल में गलने देंगे। इसके बाद हमारा जीरा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को तेल में अच्छे से तलेंगे क्योंकि प्याज नरम हो जाएगी अच्छी सी। ये प्याज हमारी नरम हो चुकी है अच्छे से। अब इसमें हमने हरी मिर्च को इस तरह से कट लगा लिया है क्योंकि हमें तीखा, थोड़ा तीखा पसंद है। इस तरह से आप अपने हिसाब से तीखा खा सकते। हरी मिर्च को 1 मिनट तक थोड़ा सा पका लेंगे तेल में। थोड़ा पकाने के बाद इसका तीखापन अच्छे से आएगा, आपका साबूदाना चटपटा लगेगा। इस तरह से तलेंगे आप हरी मिर्च को तेल में। तो ये हरी मिर्च हमारी अच्छे से तेल में तल चुकी है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। और मेथी, ये मेथी हमने ली है इतनी इतनी मेथी हम इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारी मेथी और हरा धनिया अच्छे से तल चुका है तेल में। ये अच्छे से सब तलने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ये पहले डालने के बाद ये जल जाएगा, इसके लिए हमने इसको बाद में ऐड किया है। इसमें हम हल्दी मिक्स कर लेंगे स्वाद अनुसार, नमक, और ये फली को भी हम तेल में अच्छे से तल लेंगे। इसके पहले भी हमने इसे तवे के ऊपर भून लिया है। ये सब मसाला हमारा भून कर अब रेडी है। अब इसमें हम साबूदाना मिलाएंगे। देखिए हमारा साबूदाना किस तरह से खिला खिला है, आपका भी ऐसे ही होने चाहिए भीग कर। अब हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप इस तरह से बनाओगे तो ये बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनेगा। देखिए कितना खिला खिला दिख रहा है ये हमारा साबूदाना। चिपकेगा नहीं, हम इसके लिए इसे 1-2 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। ये और भी टेस्टी और चटपटा और नरम लगेगा आपको खाने के लिए। साबूदाना खिचड़ी को धीमे आंच पर ही पकाना चाहिए। अगर आप फ्लेम बढ़ाओगे तो ये नीचे से चिपकेगी और चिपचिपी बनेगी। हमने इसे 2 मिनट के लिए ढक के रखा था। ये देखिए आप, ये अच्छे से गर्म हो चुकी है हमारी साबूदाना खिचड़ी। आप देख सकते हैं हमारी साबूदाना खिचड़ी चिपकी भी नहीं है। आप भी इस ऐसी तरह बनाइए हमारी साबूदाना खिचड़ी को, एक बार बनाकर जरूर जरूर देखिएगा। ये साबूदाना मेथी साबूदाना खिचड़ी हमारी बनकर रेडी है। ये खिली खिली साबूदाना खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी साबूदाना खिचड़ी चिपकी नहीं है, दिख रही है ना मोतियों जैसे अलग अलग ही।
मेथी साबूदाना खिचड़ी हमारी रेडी है। आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे रसोई देसी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।